तो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी माइंड टेक में। और मैं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त राम गुर्जर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज ये वीडियो कुछ स्पेशल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एडिट होने वाली है। तो मेरे को आप एडिटिंग पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देकर ये बताइए कि एडिटिंग में आप क्या कमी रह गई है मेरी, और जो भी कमी रह गई है मेरे को प्लीज़ आप वीडियो को नाइस, सुपर ये सब छोड़कर सिर्फ वीडियो की कमी नीचे कमेंट कीजिए कि आपकी वीडियो में ये कमी है। तो आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि शायद ही है कि किसी ने पूरे यूट्यूब पर बताया होगा। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, आप सर्च करके देख सकते हैं आपके सामने क्या आता है, कितनी वीडियोस आती हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो एक बार आप सर्च ज़रूर कर लीजिए। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, फिर मेरे को पता चला कि भाई कोई प्रॉपर तरीके से कार्टून बनाना क्यों नहीं सिखाता है यूट्यूब पे। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता, वो उसकी कुछ मजबूरियां रहती हैं कि वो प्रॉपर तरीके से कार्टून बनाना आपको नहीं सिखा सकता। अब उसके 3 से 4 कारण मेरे सामने आए, मैं आपको बताऊंगा। बट जो भी कार्टून रिलेटेड चैनल्स हैं वो शायद उनको बुरा लगे, क्योंकि वो कर तो कुछ भी नहीं सकते मेरा, ना तो मेरे को स्ट्राइक दे सकते ना कुछ, बट उनको शायद बुरा लगे, उनके हेट कमेंट्स इस पर आए, क्योंकि ये टॉपिक आप देख सकते हैं यूट्यूब पर सर्च करके। तो सबसे पहली बात आप देखिए, कार्टून का जो कोर्स रहता है, कोई भी नॉर्मल वीडियो से नहीं सीखता कार्टून। कार्टून का जो कोर्स रहता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहता है, काफ़ी ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है इसको सीखने में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कार्टून का कोर्स कितना रहता है, तो आप एक बार में यकीन नहीं करोगे। कार्टून का कोर्स 6 से 7 साल का रहता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से सुना कि कार्टून का कोर्स 6 से 7 साल का रहता है, और 6 से 7 साल आप 1 साल की पढ़ाई करते हैं, इसमें आपको कितना पैसा लगता है आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। और 6 से 7 साल अगर आप कोई कोर्स करेंगे तो कितना करोड़ों से रुपये उसमें लगेगा। अब जैसे मैंने 7 साल कोर्स किया, मैंने नहीं किया, मैंने जो भी सीखा YouTube से सीखा है, आप लोगों से सीखा है। अब जैसे मैंने कोर्स किया, अब मैंने 6 से 7 साल उसमें अपने बर्बाद कर दिए, लाखों से रुपया उसमें बर्बाद किया, तो क्या मैं फ्री आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से वो सब सिखा दूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सभी क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो कि कार्टून सिखाते हैं। मैंने भी कई सारी वीडियोस बनाई, बट मेरे अंदर जो एक्टिविटी है, मैं जो बता सकता था मैंने सिर्फ आपको वही बताया है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी कि स्टोरी आप अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हैं, अच्छी थी वो, मैं मानता हूँ प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं थी, बट उसमें भी आपको पता है मैंने उसमें भी बोला था कि अगर आप, एक मेरी स्पेशल वीडियोस आने वाली वो यही है, और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ये आप बिल्कुल देखना। तो अगर आपने, मैं आपकी बात करूं, अगर आपने 6 से 7 लाख रुपए इसमें डाले, 6-7 साल आपने बर्बाद किए, क्या आप एक वीडियो में सभी के लिए वो सिखा दोगे? पॉसिबल है? तो मैं तो यही बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं सिखाओगे? क्योंकि जब आपने इतने दिन बर्बाद किए हैं तो आप सोचोगे कि भाई मैं कार्टून बना के अपने चैनल्स पर डालूं, ना कि ये बताऊं कि कार्टून कैसे बनाएं। तो आप कार्टून बनाकर अपने चैनल्स पर डालोगे तो बहुत जल्दी आप ग्रो होगे। अगर आप बनाना बताओगे तो फिर आपने कोर्स किया, 6 से 7 साल बर्बाद किए, 6-7 लाख रुपए बर्बाद किए, फिर तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए लोग नहीं बताते हैं। अब एक और रीज़न इसका मेरे सामने निकल के आया, वो ये है कि जैसे समझो कि मैं कार्टून बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं नहीं हूँ कार्टून बनाने में एक्सपर्ट, आप लोग हो, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मैं कार्टून बनाने में एक्सपर्ट हूँ, अब मैंने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कुछ से भी मैंने कार्टून बनाए, अपने चैनल्स, एक मैंने कार्टून चैनल्स खोला, उस पर मैंने अपलोड किए, आप मानने के लिए तैयार हो पहले पूरी वीडियो देखना, फिर नीचे कमेंट में जो भी कहना है आपको वो कीजिए। तो मैंने कार्टून बनाए, अपने चैनल्स पर कार्टून डाले, तो मेरे को कार्टून में व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। अगर मेरा कार्टून अच्छा होगा, एकदम प्रोफेशनल तरीके का होगा, तो मेरी वीडियो 100% वायरल होगी, मिलियन में बिलियन में उसके व्यूज़ जाएंगे। अब यही अगर मैं बताऊं कि कार्टून कैसे बनाएं, तो उस वो वीडियो चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी, बट वो कितनी चलेगी? लाखों तक उसके व्यूज़ पहुँचेंगे ज़्यादा। अब मेरी भी एक वीडियो वायरल हुई है कि मोबाइल से कार्टून कैसे बनाएं, अगर आपने नहीं देखी तो आप देखिए, मेरी पॉपुलर वीडियो में फर्स्ट पे वही है, 30,000 से ऊपर व्यू हैं उस वीडियो पर। और हो सकता है कि आप भी इस चैनल पे उसी वीडियो के कारण से आए हो, आपके सामने भी वही वीडियो आई हो और उसी वीडियो से आपने सब्सक्राइब किया हुआ। तो ऐसे बहुत सारे निकल निकल के कारण मेरे सामने आ रहे हैं कि कार्टून
प्रोफेशनल तरीके के कार्टून जो आप यूट्यूब पर देखते हैं वो कोई नहीं बताते। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि कार्टून स्टोरी कैसे बनाएं, आप ये भी सर्च करके देखना, तो देखना आपके सामने क्या वीडियो आती हैं, कौन सी वीडियो आती हैं। मैंने तो सब सर्च करके देखा और मैंने इस टॉपिक पर वीडियो कल या परसों, शायद अभी लास्ट वीडियो वही मेरी अपलोड हुई थी। तो आप देखना सर्च करके कि आपके सामने क्या आता है। तो बस ये मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और शेयर तो इसको करना ही, क्योंकि सभी को मालूम चल सके कि भाई प्रोफेशनल तरीके की कार्टून क्यों नहीं मिलती हमको यूट्यूब पर, कैसे बनाए हमको ये आखिरकार पता क्यों नहीं चल रहा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद आई हो तो अभी से डिसलाइक भी मार दीजिए। लाइक करिए या डिसलाइक, आप बिना डिसलाइक या लाइक किए बिल्कुल मत जाइए। पसंद आई हो तो आप बेशक डिसलाइक कीजिए, मैं खुद बोल रहा हूँ। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बस मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा।